नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। इंदौर के मल्हारगंज थाना क्षेत्र में पिछले दिनों हुई ट्रेन लूट के मामले में जब बुजुर्गों को आधी टूटी हुई ट्रेन पुलिस ने आरोपी से जब्त कर बुजुर्ग महिला को दिखाई तो वो भावुक होकर पुलिस कर्मियों को नम आंखों से दुआएं देती हुई काफी खुश अपने घर गई। इंदौर में अपराध मुक्त शहर बनाने के लिए पुलिस द्वारा चलाए जा रहे अभियान के तहत अन्नपूर्णा पुलिस द्वारा दो आरोपियों को पकड़ा गया था, जिनमें से एक विजयनगर का आरोपी असलम के मल्हारगंज पुलिस ने थाना क्षेत्र में चेन लूट के मामले में पूछताछ की तो उसके पास से पिछले दिनों बुजुर्ग महिला के साथ चेन लूटना कबूल किया और चेन का टूटा हुआ आधा भाग भी बरामद किया गया है, जिसे मल्हारगंज पुलिस ने बुजुर्ग महिला को थाने बुलाकर सौंप दिखाया तो महिला ने अपनी टूटी हुई चेन पहचान ली और नम आंखों से पुलिस को दुआएं देती हुई नजर आई। महिला का कहना है कि उसने अपनी चेन मिलने का भरोसा तोड़ दिया था, लेकिन पुलिस की सक्रियता के चलते उसे वो चेन वापस से मिल गई है। इसके लिए पुलिस को दुआ देती हूँ, पुलिस ही मेरे बेटे हैं जिन्होंने मुझे काफी मदद की है और मेरी लूटी हुई चेन मुझ तक पहुँचाने में काफी सराहनीय कार्य किया है। शाम पड़े मंदिर जा रही थी तो सामने से मोटरसाइकिल पे एक आदमी आया, वो मेरी चेन झपट के ले गया था। फिर मैंने ना वहाँ पे शोर मचाया, कोई भी नहीं था हेल्प के लिए। फिर मेरे को पंसारी की दुकान पे बोला गया कि आंटी आप 100 नंबर पे डायल कर दो। मैंने 100 नंबर पे डायल करा, 10 मिनट में पूरी पुलिस आ गई, मेरे कैमरे में वगैरह में सब में देख के छानबीन करके उसी टाइम पे मेरे को संतोष दिला दिया था। थाने में लाके बाकायदा मेरी साइन वगैरह ले करी, सारी घटनाक्रम करके और सारा वो करके फिर मेरे को संतोष दिला कर फिर मेरे को घर पे छोड़ के आए जीप में। और घर पे छोड़ के आके मेरे ये महीना भर भी हुआ होगा, उसके अंदर अंदर मेरे को मेरी वापस चेन मिल गई। मेरे को बहुत बहुत संतुष्टि है, आशीर्वाद है मेरा इन लोगों से, बहुत बहुत धन्यवाद है। थाने ने कार्रवाई करी थी क्यों? मैंने ये 100 नंबर पे डायल करा था, मल्हारगंज थाने पे से आए थे। अच्छा, कितने दिनों में आरोपी को पकड़ लिया और चेन लौटा दिया आपकी? ये मैंने आनंद चौदस के दिन की बात है, राज मेरे को चेन लौटा। अच्छा, कैसा लग रहा आपको चेन मिल गई? मेरे को बहुत अच्छा मिला, मैं गरीब परिवार से हूँ। मेरा बेटा कितने बजे थी आपकी चेन, कितने बजे थी ये मेरे को नहीं याद है। गले में सोने की चेन थी? हाँ, गले में सोने की चेन। आप इस पुलिस के काम से क्या लेना चाहते हैं? मैं बहुत संतुष्ट हूँ, बहुत अच्छा लगा मेरे को, मेरे बेटे जैसे मेरे साथ में हेल्प करी। मैं बुजुर्ग और तो करने में कोई परेशानी तो नहीं आई? नहीं, मेरे को बिल्कुल भी कहीं से करते नहीं, कोई तरह का कोई मेरे से नहीं। मेरे को संतोषजनक अपना आप इनके यहाँ से ही फोन गया कि आप आके इसको पहचान लो, तो मैंने यही बोला कि मैं पीछे से उसकी पीठ देखी हूँ, मैं नहीं बोल। फिर 2 दिन बाद में मेरे से व्हाट्सएप पे उसकी फ़ोटो ली, आधी चेन बच गई थी उसकी फ़ोटो ली। 3रे दिन मेरा इनके पास में कॉल गया, अभी इसके टाइम पे इन्होंने मेरे को मेरी चेन दिखा दी और ये लौटाने के लिए। आपका नाम? मेरा नाम कृष्णा सांगानेरी। नगर के पास एक जो महिला हैं उनकी चेन की जो एक अज्ञात बदमाश था वो लूट के ले गया था। पुलिस के द्वारा तत्समय उसमें तत्काल अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया था। आरोपी की तलाश लगातार चल रही थी। अभी कुछ दिवस पूर्व अपना अन्नपूर्णा पुलिस के द्वारा दो आरोपी को पकड़ा गया था और उससे भी वहाँ अन्नपूर्णा थाने की भी कुछ माल मशहूर का जो बरामद हुआ है। हमको सूचना प्राप्त होने पर तत्काल जो विवेचक हैं उनको महेश मौर्य साहब उनको तत्काल भेजा गया था, पूछताछ पे उस आरोपी के द्वारा जो अपराध स्वीकार किया गया और उसकी ही निशानदेही पे जो चैन थी वो चैन का जो टूटा हुआ टुकड़ा था तत्समय घटना के समय जो चैन थी वो उसके द्वारा छीनते समय आधी चैन उसके हाथ में आ गई थी और आधी चैन जो अपनी फरियादियाँ थी उनके पास रह गई थी, तो वो जो आधी चैन का टुकड़ा है वो उस समय पूरा मिल गया है और इसमें विधिवत कार्रवाई करके आरोपी को जेल दाखिल किया गया। हाँ, आरोपियों के विरुद्ध पूर्व में भी प्रकरण दर्ज है। आरोपी का नाम असलम है जो कि विजयनगर थाना क्षेत्र का रहवासी है। हाँ, माताजी जो है वो अभी जैसा कि आप लोगों ने भी उनसे बातचीत करी है काफ़ी भावुक हैं। उनको आशा नहीं थी कि ये चैन उनकी मिल पाएगी, लेकिन उनकी चैन जो है वो बाकायदा बिल्कुल सही स्थिति में उनको प्राप्त हो गई है और आरोपी भी पकड़ा गया। टाइम न्यूज देखिए अब आपके मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर लाइव प्ले स्टोर से डाउनलोड करें।